लो यार दोस्तों, ये कमजोर फौज के चिक्स भी बाहर आ गए हैं आज, इनको भी निकालते हैं। आ जाओ भाई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ एक सेकंड में सारे बॉर्ड, ये देखो कैसे फैल गए हैं। चलो भाई दूसरा पिंजरा भी खोलते हैं, ये भी बेताब हो रहे हैं। आ जाओ 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 आ जाओ। ये देखो वो माशाल्लाह माशाल्लाह, लो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैप्पी हैं, खुश हैं और हेल्दी एक्टिव हैं। इनका आना बता रहा है कि ये सारे एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक पीस कितनी खुशी से आया, ये देखो ये सारे फैल गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने क्यूट लग रहे हैं और इनकी होए 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 माशाल्लाह यार माशाल्लाह, दिल खुश हो गया आज इनको देख के। ये देखो यार दोस्तों कितने माशाल्लाह हैप्पी हैं और हेल्दी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हो गए और ठीक ठाक हो गए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये देखो माशाल्लाह सारे पैर आज मैंने खोल दिए हैं, सबको माशाल्लाह ओपन कर दिया है। कालू गैंग के पीस भी खोल दिए हैं, कबूतर भी सारे दाना चुग रहे हैं। ये देखो सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आज बारिश हुई है आज सारा दिन, अभी इस टाइम बारिश रुकी है लेकिन ना हबस हुआ हुआ है, हवा नहीं चल रही, लेकिन मौसम ठीक है। जानवरों के लिए तो ठीक है, इंसानों को हबस फील हो रहा है, बाकी जानवरों के लिए हैप्पी है, तपशनी है, मौसम अच्छा है। तो लो ये देखो सारे मैंने आज कमज़ोर फौज के चिक्स इधर खोल दिए हैं। वो इसलिए इधर खोले हैं कि उधर जो खुड्डा हमने बनाया था, मैं सुबह आके जब बारिश शुरू हुई है ना तो उस खुड्डे से इन सबको निकाल के पिंजरे में डाल के ले गया था। क्योंकि मसला एक, जब हमने ये खुड्डा बनाया ना, हमने एक चीज़ का ख्याल नहीं किया, इस खुड्डे के बिल्कुल ऊपर इस छत का ये देखो पानी वाला प्रणाला है, बारिश का पानी इधर से आता है। तो सुबह मैंने देखा है तो फ़ौरन मैंने सब चूज़ों को निकाला है, ये देखो पानी उधर रुक गया हुआ है। तो ये खुड्डा जो है ना हमारा बारिश के दिनों में बड़ा परेशान कर सकता है। तो शुक्र है मेरा चूज़ा तो एक भी एक्सपायर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टाइम में आगे सबसे पहले इनको ही देखा था। तो बाकी अलहमदिल्ला सबको मैंने पिंजरे में डाल के संभाल लिया था, कमज़ोर फौज को, मल्टी चूज़ों को, वो तो सारे माशाल्लाह ठीक हैं। कोई एक भी चूज़ा इवन अलहमदिल्ला एक भी बीमार नहीं हुआ, ना ही अल्लाह का शुक्र एक्सपायर हुआ। तो ये देखो माशाल्लाह सारे कैसे फुर्तीले हैं और एक्टिव हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं। ये देखो इनकी माशाल्लाह भागनी बता रही है कि ये कितने इस टाइम चौकस हैं, सारे माशाल्लाह ठीक है। ये देखो नेटो फोर्स का चूज़ा किधर आ गया, चले उधर चल उधर चल, चलो वो भाग गया। ये देखिए बाहर आ गया, ढूंढता ढूंढता फीड इसको अंदर करते हैं। देखो दोस्तों माशाल्लाह इनको भूख लगी हुई है फुल, और फौरन इनको हम कुछ ना कुछ खाने के लिए डालते हैं ताकि ये खुश हो रहे। ये छुटकू गैंग भी मारा जाना वो पीछे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज अभी तक अतीक नहीं आया, कल भी ये नहीं था आया अतीक, आज भी अभी तक नहीं आया, आप भी आने वाला है, उसने मुझे बताया फ़ोन करके, मैं आ रहा हूँ दो मिनट में। आज अतीक के साथ एक प्रैंक करेंगे, अतीक को आज हम ना कहेंगे कि हम ये पेट का जो व्लॉग है ना ये पेट सारे छोड़ देने हैं, क्योंकि अतीक हमारे साथ व्लॉग में शामिल नहीं हो रहा। कल भी इसने नहीं आया, मैं अकेला ही था, तो आज ही आएगा तो मैंने इसे कहना अतीक भाई हमने आज पेट छोड़ने का इरादा कर लिया है, ज़रा उसके साथ प्रैंक करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी परेशान होगा, क्योंकि वो पेट्स लवर है, पेट्स को बहुत प्यार करता है वो भी, और वो भी और मैं भी, और हम दोनों मिलकर व्लॉग बनाते हैं, तो वो अक्सर ही छुट्टी करने की कोशिश करता है। तो मैंने आज उसको सोचा आएगा तो मैंने उसके साथ प्रैंक करना है, वो हर दफ़ा मेरे साथ प्रैंक करता है ना, आज मैंने उसका प्रैंक कर देना है। उसको मैंने क्लियर कह देना है कि यार ये सारे पेट्स मैंने सेल कर देने हैं और मैंने ये पेट्स का व्लॉग नहीं करना, मैं सादा व्लॉग करूँगा, पेट्स में नहीं जाना। तो फिर देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है और कैसे वो बोलता है या क्या करता है। तो बाकी ये देखो माशाल्लाह इन सबको खुराक डालते हैं, अभी देखते हैं इन सब ने ये सब को डाली हुई है फीड, ये सारे चुग रहे हैं अभी। जी ठीक भाई आ गए हो? हाँ जी, वे इतना पसीना आया आज तो दे यार। हाँ जी हबस हुआ है ना, हबस की वजह से। अतीक भाई आपने कल भी नहीं आए, आज भी आप अभी तक आए नहीं, मैंने सारे पेट्स को क्या बीमार था यार छोड़ यार, बड़ा हाल मैंने यार फैसला कर लिया, ये मैंने पेट्स का व्लॉग नहीं बनाना करना, पेट्स मैंने सारे छोड़ देने, सारे पेट्स बेच देने यार, तू आते नहीं है क्या फायदा, मैं अकेला लगा रहा नहीं, मैंने सोच लिया यार, मैंने सोच लिया यार नहीं मैंने पेट्स नहीं, नहीं मैंने कर लिया फैसला, पता क्या यार तू हर दफा मुझे तंग कर रहा है, मैं नहीं अब तक मैंने ये सारे पेट्स सब के सब मैंने एक बंदे से बात किया और सारे ले लेगा, तू आज भी इतनी लेट हो गया यार। बस मामू आपको पता तो है। नहीं भाई मैंने सोच लिया, मैंने पैट्स नहीं रखने फिलहाल, तो इनको अब दाना पानी जल्दी से डाल, तो जल्दी से इनको दाना पानी डाल, बैठा मैंने फैसला कर लिया, तू आते नहीं तो फायदा क्या फिर, आपने नहीं छोड़ने, मैंने भी नहीं आपको, मैंने सोच लिया कि मैंने छोड़ देने, नहीं मैंने आपको छोड़ने नहीं देने, मैंने पक्का फैसला कर लिया, मैंने आपको छोड़ने नहीं देने। ये देख माशाल्लाह कमजोर फौज चूजे कितने हेल्दी लग रहे हैं। ये देख तो सही भाई, आज ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, ओए 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 माशाल्लाह यार बड़े फुर्तीले हुए हैं और बड़े शपाटल हो गए हैं ये सारे, इनको लगी है फुल भूख और सब एक्टिव है माशाल्लाह।
और ये देख ये छुटकू गैंग में मेरे पाँव में आ ही जा रहा है। नहीं छोड़ने। बस मैंने कह दिया ना छोड़ देना, क्योंकि यार तू बहुत तंग कर रहा है मेरे। तू कल भी नहीं आया और आज भी तो अभी तक नहीं आया। पक्की बात है अपनी करेगा? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि तू पहले भी दो दोस्तों आप कमेंट्स में बताओ यार ये मैंने फैसला गलत लिया है या सही लिया है। ठीक बना अक्सर ही छुट्टी कर लेता है, फिर मैं अकेला ही व्लॉग बनाता हूँ। ये आता ही नहीं, जब ये आता है तो हम मिलके सब पेट्स को दाना पानी डालते हैं और व्लॉग बनाते हैं तो मजा आता है। तो अब ये आज मैंने पक्का अड़ादा कर लिया थी यार, पता क्यों? नहीं छोड़ने, फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। ना यार ऐसे ना कर, फिर तू नाराज हो जाना। कोई बात नहीं यार, हम कोई और व्लॉग बना लेते हैं। नहीं नहीं मैं पेट्स लवर हूं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने आपको छोड़ने नहीं देने। चल जल्दी से इनको पहले दाना पानी तो डाल, फिर इस बारे में बात करते हैं। मुसा फीड बना लिया, मुसा फीड की ट्रे बनाए हैं, पहले इनको रोटी डालते हैं, रोटियां डालते हैं। एक ना कनाली लेके आ, चलो ये पड़ी है कनाली, इसमें डालते हैं छुटकू गैंग के लिए रोटियां। छुटकू गैंग को डाल देंगे और इनको डाल देंगे। हाँ मैं बताता हूँ कैसे डालनी, एक मिनट में आ रहा हूँ। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोटियां खाने वाली आ जाओ। चलो लो जी रोटियों पे हमला हो गया, सारे माशाल्लाह रोटियां खाने लग गए, ये मुर्गियां भी खाने लगी हैं। यार ये मुर्गी ढीली हो गई है, कल भी ढीली बैठी थी, आज और ढीली हो गई है। ठीक है, इस मुर्गी को क्या हुआ है यार? ये देख सही लग रही है कि नहीं ढीली लग रही है? नहीं मामू बीमार हुई है काफी। ये भी बीमार हुई है, आंखें दिखाई इसकी मुझे। ये देखिए ये भी ढीली पड़ गई है। हाँ दिखाई जरा इसकी आंखें, दिखाई जरा मुझे पकड़ के। पता नहीं यार दोस्तों अब इस मुर्गी को क्या हुआ है। हमारे पेट्स में ना दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सैड न्यूज आ ही जाती है। अब ये मुर्गी देखे तो इसको क्या हुआ है? नहीं आती आंखें तो उसकी सही लग रही हैं। हाँ जी आंखें ठीक हैं, पर कलगी वाइट हो गई है। कलगी वाइट हो गई है, ये मसला है, ये बीमार हो गई है मुर्गी यार। अतीक इसका क्या करें, आप ज़िबा करानी? चलो ठीक है इसको ज़िबा करवा लेंगे। चलो ये कबूतरों को भी दाना ला के डालो। अतीक भाई छोड़ दो इसको, खा लेगी खुद ही थोड़ा बहुत। इनको कबूतरों को ला के दाना डाल, अंदर से दाना डाल इन सबको कबूतरों को। और इनको मैंने डाल दिया छुटकू गैंग के लिए, मैंने ना वो रोटियां निकाली थी, छुटकू गैंग को रोटियां ला के डाल देता हूँ। लो जी छुटकू गैंग की रोटियां ये पड़ी हैं, ये इनको भी डाल देते। लो जी आ जाओ छुटकू गैंग को भी डाल देते हैं रोटियां। जी लो छुटकू गैंग जी, अरे पीछे हो जाओ तुम लोग, उधर चल के खाओ, छुटकू गैंग को खाने दो। साढ़े माशाल्लाह जी, ये देखो, ये देखो जी। चलो जी बेहतर हो गया, अभी इतना खाने दो, बाकी इधर भी फेंक दो थोड़ा सा। ठीक इधर भी फेंक दो, ये नेटोफोर्स भी खाते हैं, डक भी खाती है। ये देख नेटोफोर्स भी खाने लगी, शायद ये मुर्गी भी थोड़ा सा खा ले यार। ये मुर्गी नहीं खा रही हमारी, ये वाली मुर्गी नहीं खा रही यार। ठीक ये मुर्गी डाउन हो गई है भाई। लो जी ठीक भाई, ये सूखी सूखी जगह पे फीड डालो, सारी ये फीड खाने आ जाएंगे। इधर सूखी सूखी, पीछे गिली है उधर ना डाली, इधर ये सूखी जगह पे डाल दे सारी फीड। हाँ जी देखिए सारे खाने आ जाएंगे आजकल माशाल्लाह, ये बड़े हैप्पी हुए हैं। बस ठीक है ये सूखी जगह पे उधर भी डाल इधर। चलो जी माशाल्लाह सारे चूँ चूँ करके खाने लगे हैं। लो यार दोस्तों माशाल्लाह सबको भूख लगी थी, सब खाने लग गए माशाल्लाह, सारे हैप्पी हो गए हैं, खा रहे हैं। आपको इनकी आवाज़ तो आ ही रही होगी कैसे ये चूँ चूँ कर रहे हैं। बाकी यार माशाल्लाह माशाल्लाह इनके साथ बड़ा ही मज़ा आता है मुझे यार, यकीन करो। ये सबसे ब्यूटीफुल चूज़े हैं जो है ना, ये मल्टी फोज के हैं। इनका इनके साथ अलग ही स्वैग होता है, इनका अपना ही मज़ा आता है यार। ये छुटकू गैंग को भी कुछ डाल देती है कि इनके लिए भी फीड लेके आ। मुसा यार ये मुर्गी का मसला ख़राब हो गया, देख इसने आँखें भी बंद कर ली हैं। ठीक ये तो बिल्कुल ही लेट गई यार, देख इसने बिल्कुल आँखें बंद कर ली। पता है यार मुर्गी भी ज़िबा करवा दे यार, पता क्या इसको ज़िबा ही करवा देते हैं। वैसे भी मैंने सारे पैसे आज दे ही देने, क्योंकि तूने मुझे बड़ा तंग किया। मामू नहीं देने, मैंने देर बना लिया, मैंने दे देने। इधर आइए रबड़ के बच्चे देख, तुझे दिखाऊँ रबड़ के बच्चे कितने हो गए हैं ये देख जरा। लो जी दोस्तों रबड़ के बच्चे भी देखो आज माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं यार, माशाल्लाह यार कितने ब्यूटीफुल। ठीक पकड़ हाँ अंदर से एक बच्चे को निकाल दे, माशाल्लाह वे कितना हेल्दी हो गया यार, दिखा जरा। ये देख रेड आइज ओपन हो गई इसकी माशाल्लाह। ये देखो यार दोस्तों इसने आज आंखें खोल ली हैं, कितना क्यूट लग रहा है। ठीक मजा आ रहा है। हाँ जी माशाल्लाह यार, तू फिर तंग करता है मेरे साथ पेट व्लॉग में रोज शामिल हो अगर यार। आज तू मुझे आज किन कर तेरी वजह से दिल कर रहा था मैं सारे पर ना, कल मैं बीमार था मामू। ये तो देखो जी माशाल्लाह यार, ठीक अलग ही सुहाग है। घंटे लगता पकड़ी 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 दोनों हाथों से पकड़ी। अंदर रख दो। हाँ इसको अंदर रख दे वापस यार, परेशान हो गई है। फीमेल भी परेशान हो रही है, इसकी माँ भी।
मुसा जा यार इनके लिए लहसुन लेके आ, उनको भूख लगी है, उनको लहसुन तो डाल दे, इसको भी लहसुन डाल दे अंदर, लहसुन पड़ा हुआ ले आ सारा ही, यहाँ थोड़ा सा रख ली बाकी सारा ले आ। तो लो जी कबूतर भी दाना खा रहे हैं। ईसा तू फीड वाली ट्रे ले आ, ईसा और अतीक भाई फीड वाली ट्रे ले आओ, अभी वो खा रहे हैं, अभी नहीं आएंगे बीरा भाजी, उनको खाने दो, अभी खाना खाएंगे उसके बाद आएंगे। ये ना तू उनको डालो चार, ये जो है ये पांचों को डाल दे, इनको भूख लगी है। ये फीड भी आ गई है, चलो जी फीड भी आ गई है, लो जी लीस लहसुन खाने लग गया। एक मुसा भाई को पकड़ा दो, एक ईसा भाई पकड़ लो, या तो एक तू एक पकड़ ले, एक मुसा भाई तू पकड़ ले ट्रे, चलो आगे डाल दो इन सबको, चलो जी इधर इधर रख दो बस, मुसा इधर रख दो, चलो जी ईसा आप इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, चलो ठीक है शाबाश। चलो जी वो भी आ गए, छुटकू गैंग भी आ गया, चलो अभी आप लोग भी आ जाओ खा लो। लो जी दोस्तों ये फीड देखो कैसे ये डक फीड्स के साथ इंसाफ कर रही हैं, ये नेटोफोर्स के चूजे भी माशाल्लाह खा रहे हैं सारे। लो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बाकी पेट्स ठीक हैं, बस ये वाली मुर्गी ढीली होकर बैठ गई है यार दोस्तों, पता नहीं अब इसका क्या ना कर, मुझसे नहीं उसने उठा जा रहा इसको, यार मैं जिबाई कराने लगाऊँ। ये मुर्गी भी बिल्कुल वो माड़े लाल बादशाह या कालू शहनशाह की तरह बिल्कुल ढीली हो गई है, इसको मैं जिबाई करवाने लगा, पता नहीं यार क्या होता है हमारे पेट हाउस में, इतनी अच्छी तरह मैंने आज से चार पाँच दिन पहले सफाई भी करवाई है, पूरा पेट हाउस नीट एंड क्लीन करवाया है, उसके बाद स्प्रे भी किया है, साढ़े ठीक है। अब ये एक मुर्गी ढीली हो गई है फिर से, मुझे नहीं समझ आती कोई मेडिसिन में गलती कर रहा हूँ, कुछ खुराक में गलती कर रहा हूँ, टेम्परेचर भी माशाल्लाह इस टाइम बिल्कुल ठीक है, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, तलख मौसम नहीं है, लेकिन ये मुर्गी बीमार हो गया, मुझे लग रहा है इसको भी ज़िबा करवाना ही पड़ना है, और कोई हल नहीं निकल रहा क्योंकि ये बिल्कुल ढीली हो गई है, कुछ खा पी नहीं रही, लेट गई है बिल्कुल। इसको रख दो, छोड़ दे ना पकड़ इसको, क्या पता कुछ खा पी ले, नहीं मुसा ईसा नहीं खा रही बेटा, वो खा ही नहीं रही वो, जब कोई जानवर खाना पीना छोड़ता है ना यार दोस्तों बड़ा दिल आजार होता है यकीन करो। ये देखो इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, पेट उसमें कोई पेट इस तरह बीमार होता है खाना पीना छोड़ता है यकीन करो बड़ा ही दिली दुख होता है, दिल करता है किसी तरह ये बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई पता चल जाए कि किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो रही है, बिल्कुल अपनी पुरानी वाली हालत में आ जाए, लेकिन नहीं बाद में ये कम से कम ही होता जाता है, पता नहीं हम लोगों को इसकी समझ नहीं है, बड़ा अल्लाह बेहतर करेगा इसके लिए, इसको ज़िबा ही करवाना पड़ना है, तो ज़िबा करवा देते हैं। चलो जी दोस्तों इन सब ने माशाल्लाह खाना पीना कर लिया है, सारे हेल्दी हैं एक्टिव हैं, तो ये वाली मुर्गी को मैं ज़िबा कराने भेजने लगा हूँ अतीक के पास, अतीक को कह के ये मुर्गी को ज़िबा कराने लगे हैं, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, इसको हम ज़िबा करवाने लगे हैं, बाकी माशाल्लाह सारे पेट्स ठीक हैं खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छुटकू गैंग भी सारा ठीक है, इनको फीड डाल रहे अतीक भाई जी मैम, छोड़ो। लो जी दोस्तों रैबिट को भी फीड खाते देखो, इनको माशाल्लाह रैबिट फीड खाते हैं, ये बड़े मज़े का मुंह चला रहे होते हैं, इनको देखो जरा, ये देखो जी माशाल्लाह, ये लो जी ये लो माशाल्लाह, ये देखो रैबिट भी माशाल्लाह कितने शौक से ये फीड खाते हैं माशाल्लाह, कितने क्यूट लगते हैं यार ये इस तरह फीड खाते हुए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अतीक ने मेरे साथ प्रॉमिस कर लिया, क्यों अतीक भाई प्रॉमिस कर लिया, आप कोई भी लोग मैं आपने गैर हाजिरी नहीं करनी ठीक है, हर वीडियो में आपने आना है ठीक है, नहीं तो मैंने पेट सेल कर देने, नहीं करना पक्का फिर पक्का। पक्की बात चलो जी इसने प्रॉमिस कर लिया, इंशाल्लाह हम रोज आपके लिए वीडियो अच्छी से अच्छी बनाएंगे, इसी तरह ब्यूटीफुल पेट्स की इनके दुख और इनकी खुशी हर चीज़ आपको दिखाएंगे, इनमें हम कैसे इंजॉय करते हैं और सब आपको दिखाएंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ताकि आपकी और मेरी रोज़ की रोज़ मुलाकात हो और इंशाल्लाह हम रोज़ इन पेट्स के साथ इंजॉय करें और आप भी करें ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल, अल्लाह हाफ़िज़।